वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द फार्म हाउस काउस। राजेंद्र गॉट वेरी हैप्पी दैट हिज पेरेंट्स हैड बॉट अ फार्म इन अ विलेज वेयर दे वर मूविंग फ्रॉम अ सिटी। राजेंद्र बहुत ज्यादा खुश है कि जो उसके पेरेंट्स है उन्होंने फार्म ले लिया विलेज में। फार्म मतलब जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है वो लिया है, और वो उस फार्म में जा रही है सिटी से मूव करके। इट वॉज सो डिफरेंट, वहां पर सब कुछ बिल्कुल अलग सा है। There were small green lanes instead of busy streets, big trees instead of tall buildings, and a lot of animals and birds. ऐसे यहाँ शहर में क्या होता है, गलियों में बहुत भीड़ होती है, बहुत बिजी स्ट्रीट्स होती है। यहाँ पर अपर गांव में क्या है, बिजी स्ट्रीट की जगह पर ग्रीन लेन्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की जगह पर क्या है, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज है, और क्या है वहां पर, बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है। राजेंद्र काउंटेड द एनिमल्स एंड सेड टू हिज मदर। राजेंद्र ने अपने एनिमल्स को काउंट किया और उसने अपनी मदर से कहा, देयर आर 32 गोट्स इन द फील्ड्स एंड 6 लिटिल किड्स मॉ। उसने क्या बोला कि हमारे फील्ड में 32 गोट्स है और 6 क्या है, लिटिल किड्स है। सेड राजेंद्र टू हिज मदर, एंड देयर आर 9 हॉर्सेस एट द फार्म, एंड आई सॉ 2 रैबिट्स दिस मॉर्निंग एंड अबाउट 12 डक्स। राजेंद्र ने अपनी मदर को ये बात बताई, उसमें 9 हॉर्सेस है और 2 रैबिट्स है, मैंने रैबिट्स को मॉर्निंग में ही देखा है था, और लगभग 12 डक्स है। उसको भी यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता कि डक्स कितनी है, वो बोल रहा है कि शायद 12 डक्स है। आई कुड नॉट काउंट देम प्रॉपरली, मैं उसको प्रॉपरली काउंट नहीं कर पाया, बिकॉज दे वर नॉट स्टिल इन वन प्लेस, क्योंकि वो जो डक्स है वो एक जगह पर रुकी नहीं रहती। द हैंड्स वुड ऑल्सो नॉट स्टे स्टिल, और जो हैंड्स है वो भी क्या है, एक जगह पर नहीं रुक सकती। व्हाट अबाउट द काउस, सेड हिज मदर। तो मदर ने बोला, काउस के बारे में क्या है, हैव यू काउंटेड दोस, क्या तुमने वो काउंट किया। आई डू नॉट लाइक काउस, सेड राजेंद्र। राजेंद्र बोला कि मुझे काउस नहीं पसंद। They have big horns and they roar at me. उनके क्या है, बड़े बड़े सींग होते हैं और वो क्या है, मेरे ऊपर रोर करती है, गरजती है। Oh no, said his mother. Loins roar, cows only moo. तो उसकी मदर ने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है। रोर कौन करते हैं, लॉइंस रोर करते हैं, काउस जो है वो क्या करती है, ओनली मू। वेल इट साउंड जस्ट लाइक लॉइंस टू मी, सेड राजेंद्र। राजेंद्र ने बोला कि जो काउस है चाहे मू करती है या कुछ भी करती है, तो मुझे उसकी साउंड ना लॉइंस जैसी लगती है। आई डू नॉट लाइक द काउस एट ऑल, दे आर बैड। फिर राजेंद्र बोलता है कि मुझे काउस अच्छी नहीं लगती, वो बहुत बुरी होती है। नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स, सेड मदर। उसकी मदर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो काउस है वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है, वो हमें क्या डिलीशियस गिफ्ट्स देती है। शी टुक डाउन अ जग ऑफ मिल्क। उसकी मदर ने क्या किया, जग उठाया मिल्क का। शी पोर्ड इट इनटू अ मग एंड गेव इट टू राजेंद्र। उसने उसे मग में डाला, उसने क्या करा, राजेंद्र को पीने के लिए दे दिया। ही ड्रैंक इट, और राजेंद्र ने उसे पी लिया। डिड दैट कम फ्रॉम द काउ, ही आस्क्ड। उसने अपनी मदर से पूछा कि ये काउ से आया है। मदर नोडेड, वेल इट वॉज सिंपली डिलीशियस। तो उसकी मदर ने बोला कि हाँ ये बहुत डिलीशियस है ना। एट लंच टाइम मदर पुट डाउन अ डिश ऑफ स्वीटेंड एप्पल्स फॉर राजेंद्र। अब लंच टाइम पर क्या हुआ, राजेंद्र के लिए टेबल पर एप्पल की मीठी डिश जो है वो बना के राजेंद्र के लिए रखी। ही लुक्ड अराउंड फॉर द कस्टर्ड दैट मदर यूजली मेड फॉर हिम विद दिस डिश। राजेंद्र वो टेबल पर इधर उधर देख रहा था, कस्टर्ड ढूंढ रहा था टेबल पे। वो कस्टर्ड उसकी मदर उसके लिए हमेशा बनाती थी, जब भी वो उसके लिए एप्पल स्वीट बनाती थी, उसके साथ क्या बनाती थी, कस्टर्ड बनाती थी। देयर वॉज नन, पर वहां पर नहीं था। द काउ हैज सेंट यू दिस गिफ्ट इंस्टेड, सेड मदर। तभी मदर ने बोला कि काउ ने ना तुम्हारे लिए कुछ दूसरा गिफ्ट भेजा है कस्टर्ड की जगह। एंड शी गेव राजेंद्र अ लिटिल जग फुल ऑफ थिक क्रीम। तो मदर ने क्या राजेंद्र को एक जग पकड़ाया, जिस जग में क्या चीज थी, एक क्रीम थी, थिक क्रीम, गाढ़ी गाढ़ी क्रीम थी। हाउ लवली इट वॉज,
तभी रजिंदर ने क्या बोला, कितनी अच्छी है। रजिंदर पोर्ड इट ऑल ओवर हिज एप्पल्स। रजिंदर ने उस सारी क्रीम को अपने एप्पल्स के ऊपर डाल दिया। दे टेस्टेड मच नाइसर देन यूजुअल। तो जो अब वो बनी थी ना डिश, वो पहले से बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी। सो दैट कम्स फ्रॉम द काउस टू सेड द लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय ने क्या बोला कि ये काउ से आई है। वेल इट मस्ट बी अ वेरी काइंड एनिमल। उसने क्या बोला कि हाँ ये बहुत काइंड एनिमल होगा। यस इट इज, ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ काउ मिल्क, सेड मदर। तभी मदर ने क्या बोला कि ये सारी चीजें है ये काउ के मिल्क से बनती है। रजिंदर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट काउस गिव अस सो मच मिल्क दैट हिज मदर कुड मेक सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। अभी जो रजिंदर है वो बहुत ज्यादा हैरान है हुआ है ये देख के कि काउस इतना मिल्क देती है जिससे उसकी मदर टेस्टी टेस्टी डिश बना रही है। एट टी टाइम मदर सर्वड अ लॉफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद होममेड जैम। फिर मदर ने ब्लेंड ऑफ मतलब ब्रेड के कुछ स्लाइसेस होते हैं वो सर्व की, साथ में क्या होममेड जैम, घर पर बनाई हुई जैम के साथ। यूजली देयर वर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो उस टाइम पर क्या होता है, आमतौर पर उसकी मदर उसके साथ बटर सर्व करती है उसे। लुक रजिंदर द काउ हैज सेंट मी अ प्रेजेंट टू। तभी उसकी मदर ने क्या बोला कि काउ ने मुझे एक और प्रेजेंट सेंड किया है। मदर लिफ्टेड अप द लिड ऑफ द चीज डिश एंड अंडरनीथ रजिंदर सॉ अ बिग लंप ऑफ होममेड चीज। तभी उसकी मदर ने क्या वहां से चीज डिश उठाई, तभी वहां पे रजिंदर ने क्या देखा, बिग लंप ऑफ होममेड चीज। वहां पर बहुत ज्यादा जो होममेड चीज होती है, घर पर बनाई हुई चीज होती है, पड़ी हुई थी उसके नीचे। मदर कट फॉर हरसेल्फ अ पीस ऑफ चीज एंड सेड इट वाज डिलीशियस। तभी मदर ने क्या उस चीज में से थोड़ी सी चीज अपने लिए काट ली और बोला कि बहुत टेस्टी है। मे आई पुट सम ऑन माय लोफ, सेड रजिंदर। फिर रजिंदर ने बोला कि क्या मैं थोड़ी सी अपने वाले ब्रेड पर भी लगा सकता हूँ। ओ माय गॉड, सेड रजिंदर, व्हाट अ नाइस फ्रेंडली क्रिएचर द काउ इज। तभी रजिंदर ने बोला कि जो काउज है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली क्रिएचर्स है, कि बहुत अच्छी है, उसके साथ हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आई विल नॉट हेट इट एनीमोर और बी फ्राइटेंड ऑफ इट। वो रजिंदर बोला कि मैं आगे से इसे कभी भी नफरत नहीं करूंगा इससे और इससे डरूंगा भी नहीं। देयर इज नो रीजन टू बी, सेड मदर। तब फिर मदर ने क्या बोला कि इसका तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है काउ से डरने का या उससे नफरत करने का। आई शुड गो एंड स्टैंड ऑन द गेट दैट लीड्स टू द काउ फील्ड्स एंड से थैंक यू टू द काउज, सेड रजिंदर। तब रजिंदर ने क्या बोला कि मैं जाता हूँ जाके वो जो उस काउज का गेट है ना, फार्म हाउस का गेट है, वहां पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ काउज को थैंक यू बोलने के लिए। आई डिड नॉट नो दे वर सो काइंड। मुझे पता ही था कि जो काउज है वो इतनी ज्यादा नाइस होएगी। एंड नाउ रजिंदर इज नॉट अ बिट अफ्रेड ऑफ काउस एंड ही लाइक्स देम वेरी मच। अभी जो रजिंदर है उसे काउ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और जो रजिंदर है वो काउ से बहुत ज्यादा पसंद करता है उसको। ही सेज दे आर हिज फ्रेंड्स, व्हाट डू यू से। तब रजिंदर क्या बोलता है कि जो काउस है उसकी फ्रेंड्स है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपको काउस कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये स्टोरी भी कैसी लगी ये भी कमेंट्स में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।